सीआई की बची हुई समरी हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? चलिए, टाइप फोर तक मैंने आपको करवाया था, टाइप फाइव पर आते हैं, है ना? टाइप फाइव ना, टाइम फोर इयर्स वाले केस है ना, टाइम फोर इयर्स, ये है आपका टाइप फाइव, क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। फोर इयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। जैसे सीआई निकालना है तो सीआई का फॉर्मूला 4a + 6b कैसे बनता है अब ये तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, 4c + d, ठीक है ना। सीआई के बाद एसआई क्या हो जाएगा, 4a, और डिफरेंस की बात करोगे, डिफरेंस का फॉर्मूला, इन दोनों का डिफरेंस ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, ठीक है, 6b + 4c + d, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रेशियो वाली मेथड से कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए चार साल में हम नॉर्मल इसको प्रीफर करते हैं। बहुत रेयर केस में रेशियो लगा सकते हैं जहां परसेंटेज रेट इतना इजी हो कि रेशियो से भी इजी हो जाए, बाकी नॉर्मली हम ये केसेस यूज करते हैं, क्लियर है ना। सीआई निकालना हो तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल 8000 रुपये प्रिंसिपल दिया हो और रेट दिया हो 5%, है ना, तो सीआई कैसे निकालोगे, 8000 रुपये प्रिंसिपल, रेट 5% सीआई, तो 8000 का 5-5% निकालते जाएंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर 5% निकालेंगे बी का वैल्यू आ जाएगा, फिर 5% निकालेंगे सी का वैल्यू आ जाएगा, फिर 5% निकालेंगे डी का वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ में, 5-5% निकालते जाओ, ए बी सी डी के वैल्यूज आते जाएंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये इस प्रकार का तरीका होता है, ठीक है। अब जो कुछ दो तीन क्वेश्चन है उनको लेकर आपको मैं आइडिया दे देता हूँ इसका, ठीक है, चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप फाइव है ये, है ना, टाइम थ्री इयर्स, टाइम फोर इयर्स, बट टाइप फाइव है ये, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज टाइप फाइव। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसका। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम 4 इयर्स है, रेट 15% है, ठीक है ना, प्रिंसिपल दिया है 80,000 और आपको निकालना है डिफरेंस, पी दिया है डी निकालना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 6b + 4c + d, यह होता है डिफरेंस का फॉर्मूला, है ना, 6b + 4c + d, यही होता है डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए, जितनी जल्दी बी सी डी का वैल्यू निकाल के रखोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले 15% निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू आता है वो एक आता है, दूसरी बार में जब 15% निकालोगे तब जाके बी का वैल्यू आना स्टार्ट होगा, है ना। तो इसका 15% कितना होगा, 12000, क्लियर। 12000 का 15% कितना होगा, 1800, फिर 1800 को 15% कितना होगा, 270, 270 में कौन लगता है इसके आगे निकालने की जरूरत पड़ेगी, 1800 6 बार 10 800 +270 4 बार, है ना, 10 80 1080 प्लस, तो कितना हो गया, 10 800 और 1080, है ना, 1080, 10 800 और 1080 आपका हो गया 11 880, 11 880 प्लस कुछ थोड़ा सा आंसर आएगा, देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है ना, 11 880, ऐसा लग रहा है ऑप्शन सी आएगा आंसर इसका, ठीक है। 270 का 15% और निकालने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 40.5, तो 40 रुपये 50 पैसे और मिला लो इसमें, 40 रुपये 50 पैसे यदि और इसमें ऐड कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 0.5012, है ना, 11920.5, क्लियर। क्या आ जाएगा, 11920.5, क्लियर, इतनी बात, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, दिख रहा है, विजिबल है सभी को, क्लियरली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हाँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है देख लेते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, टाइम 4 इयर्स, रेट कितना दिया है, रेट आपको गिवन है 5%, ठीक है, डिफरेंस का वैल्यू आपको दिया है 12405 और ये निकालना है हमें प्रिंसिपल, क्लियर, ठीक है ना, डिफरेंस का वैल्यू दिया 12405 और हमें निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 5% क्या होता है, 1/20 के लिए, डी दिया है, पी निकालना है, ठीक है ना, तो डी और पी बनाने का तरीका, प्रिंसिपल तो कैसे बनेगा, नीचे वाले की पावर 4 से, ये प्रिंसिपल है ना, नीचे वाले की पावर 4 यानी कि 16/40 यूनिट, इतना यूनिट प्रिंसिपल माना हमने, इसका ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना, यही आंसर है, ठीक है। डिफरेंस कितना बनेगा, जो भी डिफरेंस का वैल्यू बनाएंगे वो डिफरेंस का किसके बराबर दिया, 12450 रुपये के बराबर दिया है ना, 12405 रुपीज के इक्वल हमें दिया है,
क्लियर इतनी बात? ठीक है ना, जो भी डिफरेंस में यूनिट बनेगा, देखो प्रिंसिपल यूनिट तो सीधे नीचे वाले की पावर 4 से प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, प्रिंसिपल यूनिट। डिफरेंस यूनिट जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी रिलेट करके आंसर ले आएंगे प्रिंसिपल का। तो डिफरेंस बनाने का तरीका क्या है, 6b + 4c + d। तो b का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है 20 की पावर 1, और d का वैल्यू क्या है 20 की पावर 0। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400, है ना। कैसे आता है ये वैल्यू पता है ना आपको, इसका 1/20 निकालते जाए। अरे प्रिंसिपल का 1/20 निकालोगे, 20 का क्यूब आएगा, 1 का वैल्यू होगा, फिर 20 का क्यूब का 1/20, 20 का स्क्वायर। और मैंने बताया था बी सेकंड अल्फाबेट होता है, ए के बाद बी सेकंड अल्फाबेट, इसलिए स्क्वायर लगता है हमेशा नीचे वाले का, है ना। ये भी तरीके, 400 × 6 कितना हो गया 2400, 2400 प्लस 20 × 4 कितना हो गया 80 + 1, है ना, तो कितना हो गया 2481। तो 2481 यूनिट आएगा ये, है ना, 2481 किसके बराबर, इंटू 5 का रिलेशन है, आराम से देख लो शांति से, इंटू 5, इंटू 5 करेंगे तो 800,000 आंसर आ जाएगा इसका, 8 पे 5 0। क्लियर है? ठीक है, 4 के बाद मैं ले रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ ईयर, ओके ठीक है, रेट 20% है ना, ठीक है, रेट 20% है, ठीक है। फोर्थ ईयर सीआई और फोर्थ ईयर एसआई का डिफरेंस जो है वो 7,280 रुपये है ना, ठीक है। फोर्थ ईयर सीआई माइनस फोर्थ ईयर एसआई का डिफरेंस क्या है, 7,280 रुपये। सेवन टू एट जीरो रुपीज है ना, ठीक है। क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा 20% 1/5 होता है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल तो 5 की पावर 4 सपोज कर ले, 5 की पावर 4 यानी कि 625 यूनिट, बस इसी का ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तब देखिए फोर्थ ईयर सीआई क्या बनेगा, फोर्थ ईयर सीआई बनेगा 5 + 1 का होल क्यूब माइनस फोर्थ ईयर एसआई बनेगा 5 का क्यूब, है ना, ये होगा, ठीक है। कैसे होगा ये बता देता हूँ मैं आपको, बता चुका हूँ। वैसे फोर्थ ईयर सीआई ध्यान रखना 4 साल नहीं है, सिर्फ चौथा साल है, कहानी अलग है, ठीक है। तो 6 का क्यूब 216 - 125 91 यूनिट आएगा ये 90, इसका रिजल्ट 91 यूनिट ओरिजिनली किसके बराबर है 7,280, देखेंगे इंटू 80 का रिलेशन है क्या, तो इंटू 80 करेंगे इसमें, ठीक है, 5,000 रुपये आंसर आ जाएगा, है ना, इंटू 80 करेंगे तो 5,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो आंसर विल बी रुपीज 5,000, क्लियर है इतनी बात, क्या आंसर आएगा इसका 5,000 रुपये, क्लियर है ना, ठीक है। तो 216 - 125 कैसे आता है, ये एक्चुअली ट्री बनता है ना, 4 साल का ट्री, 4 साल का ट्री कैसे बनता है ये देखिए, 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 3 बार आएगा, 5 की पावर 1 3 बार आएगी और 1 बार 1 आएगा, क्लियर। अब ये देखो ये फोर्थ ईयर सीआई है क्या, नहीं है ये फोर्थ ईयर सीआई, एक्चुअली क्या है 5 + 1 का क्यूब ही तो है ना, ये देखो ना ए क्यूब, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जोड़ोगे 5 का क्यूब + 1 का क्यूब, फिर 3 × 5 का स्क्वायर, इस पूरे को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 5 का क्यूब + 1 का क्यूब + 3, फिर 5 का स्क्वायर 3 बार है, 3 × 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 5 5 5 कितनी बार है, ये भी 3 बार है, तो 3 बार क्या लिख लेंगे 5, क्लियर आई बात समझ में। अच्छा इस केस में 1 लगा सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इंटू 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं फ्री में, कोई इसी को जोड़ा मैंने अपने तरीके से, क्या बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² यानी कि a + b का 5 + 1 का क्यूब, यानी कि फोर्थ ईयर सी आई क्या बनेगा 5 + 1 का क्यूब, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, मैथड है ना, फोर्थ ईयर सी आई 5 + 1 का क्यूब माइनस फोर्थ ईयर एस आई, तो फोर्थ ईयर एस आई केवल 5 का क्यूब है ना, हर साल का एस आई तो 5 का क्यूब है ना, तो बस क्लियर है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ टाइप 6 पर। टाइप 6 क्या है, टाइप 6 वो है 3 मंथली 4 मंथली क्वार्टरली 3 माही 4 माही 6 माही, है ना, वाले क्वेश्चन है टाइप 6 में और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना।
चलिए आ जाते हैं टाइप सिक्स पर, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। टाइप सिक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, टाइप सिक्स में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम मेथड को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री ले रहा हूँ सबसे पहले, टाइप सिक्स का है ना, ये थ्री मंथली क्वार्टरली ऐसे क्वेश्चंस है ना, ठीक है। सतीश द्वारा 8,000 रुपये की धनराशि यूनियन बैंक में जमा की गई, जिस पर उसे 12% दर से त्रैमासिक आधार पर ब्याज मिलता है 15 महीने, ठीक है। 8,000 रुपये की उधारी है 15 महीने की, और क्वेश्चन में डिमांड है थ्री मंथली, तो थ्री मंथली के 5 सेट बनेंगे क्या? बोलिए बनेंगे 5 सेट, है ना। 15 महीने का टोटल उधारी है और थ्री मंथली, तो थ्री मंथली के 5 सेट बनेंगे क्या? है थ्री मंथ्स, तिमाही, तिमाही, थ्री मंथ्स और थ्री, ठीक है। रेट की बात करें 12% पर एनम, 12% पर एनम यानी कि 12 मंथ्स का 12% है, तो आप ही बताइए 3 मंथ्स का 3-3% लगेगा, है ना, तो लगेगा 3-3%, है ना, लगेगा 3-3%, ठीक है। अब 5 साल वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, 5 साल, 5 साल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 5A+10B+10C+5D+E, ये फॉर्मूला होता है 5 साल वाला। कैसे बनता है? अच्छा, 4 साल वाला फॉर्मूला आता है आपको 4A+6B+4C+D, 4 साल, 4 साल वाले से 5 साल वाला बन जाएगा, है ना। 4A है तो 5 साल में 5A आएगा, D है तो E तक जाएगा ये, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए कहानी क्या है। अब सवाल उठता है B कितनी बार आएगा, C कितनी बार आएगा, है ना, D कितनी बार आएगा, ठीक है। D तक एंड हो रहा है, ये अकेले E तक एंड होगा, है ना, ये अकेला ई आएगा, 4A 5 पे आएगा। अब बी कितनी बार आएगा, सी कितनी बार आएगा, डी कितनी बार, तो कैसे लिखते हैं, 6 को नीचे कॉपी करो पिछले को जोड़ते हुए, तो 6 को नीचे कॉपी करो, 6 के साथ पिछला जो 6 और 4 10, 4 को नीचे कॉपी करो, 4 के साथ 6, 4 और 6 10, इसको नीचे, ये 1 है तो 1+4 5, तो बन गया फॉर्मूला, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इसके आगे का फॉर्मूला इसी प्रकार बढ़ा सकते हो आप, है ना, जितने फॉर्मूले बनाना है बना लो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ये 5 साल वाले क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, समझ आ रही बात, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाकर दिया है, ठीक है, बहुत रेयरली कभी कहीं मिल जाए तो बात अलग है, ठीक है। चलिए अब सवाल है कि ABCDE तक वैल्यू निकालेंगे, टाइम लग जाएगा, तो ABCDE तक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हम सामने रखेंगे, हमने क्या क्या ऑप्शन है, 9 to 7 4.2, दूसरा ऑप्शन है 9 to 2 8.8, 9 to 2 8.8, तीसरा ऑप्शन है 9 3 1 4.3, चौथा ऑप्शन है 9 3 3 8.8, क्लियर, ये 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, चलिए हम सारे सिर्फ ए का वैल्यू निकालते हैं, इसका 3% कितना आएगा, 240, ठीक है। अच्छा कितना हो गया अभी, 1200 हो गया, है ना, ठीक है, एक मिनट, इसका 3% कितना आएगा, हाँ 240 ही आएगा, 240 5 बार कितना हो गया, 1200। अच्छा अमाउंट निकालना है, ओके अमाउंट निकालना है ना, यानी कि प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है ना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 8,000, ठीक है ना, प्रिंसिपल यदि 8,000 है, ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं, है ना, प्रिंसिपल प्लस CI से क्या बनेगा अमाउंट, तो प्रिंसिपल तो 8,000 ही, 8,000 में कितना जोड़े कि जो आंसर आए वो इन चारों में से आए, है ना, आई बात समझ में, क्लियर, 8,000 में हम कितना ऐड करें, तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, 8,000 में हम कितना ऐड करें, है ना, जिससे कि रिजल्ट हमारा क्या है, इनमें से कोई एक आए, क्लियर, ठीक है। तो 1200, 8,000 में 1200, 9,200 तो हो गया ना ये, तो 9,200 से ज्यादा ही आएगा आंसर, सारे 9,200 से ज्यादा है, ठीक है। चलिए 240 का 3% निकाले, 240 का 3% कितना आएगा, 7.2 आई थिंक, तो ये 72 आ जाएगा, सेवन
720 है ना, तो 72 आ जाएगा, ठीक है। 1272, 1272 9272 के आसपास जा रहा है, ठीक है। और निकालते हैं आगे, 7.2 का 3% यदि आप निकालेंगे तो 0.216 आएगा ये, यानी कि ये आएगा 2.16। अब मेरे को नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, एक एक रुपए से भी कम आएगा वैल्यू, ठीक है, तो इतने में चेक हो जाएगा, है ना। इसकी भी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। अनुमान लगा सको कि इसका 3% निकाल के 2-3 रुपए ही बढ़ेंगे सिर्फ, तो 2-3 रुपए बढ़ेगा, यानी कि इसमें 2 रुपए और जोड़ दो, 2.16 और इसमें ऐड कर दो आप, ठीक है, तो 9274 के आसपास जाएगा आंसर आपका। सीधी सी बात, यही आंसर आएगा, है ना। समझ गए आप लोग बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ए या बी का वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा सी का वैल्यू इमेजिन करते से आपका आंसर क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बीस परसेंट की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित हुए, ठीक है, 9 महीने के लिए, 9 months। समय कितना, उधारी कितने टाइम की, 9 महीने की, ठीक है ना। क्या दिया इसमें, ईयरली और क्वार्टरली, एक बार वार्षिक चलाना है, एक बार तिमाही चलाना है ना, वार्षिक और तिमाही, यानी कि एक बार 12 माह के हिसाब से साइकिल चलेगा और एक 3 मंथ्स के हिसाब से साइकिल चलेगा। जब 3 मंथ्स के हिसाब से साइकिल चलेगा तो बताइए 3 साइकिल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है, इतनी बात है ना। 3 मंथ्स 3 मंथ्स और 3 मंथ्स। अब आप एक चीज़ सोचिए, 12 माह यानी कि एक एक साल का एक साइकिल बनेगा, लेकिन एक साल भी पूरा नहीं है, एक साइकिल भी पूरा नहीं बनेगा, टूटा हुआ एक ही साइकिल बन पाएगा 9 माह का, ये होगी कहानी इसकी, आई बात समझ में, क्लियर। अब क्या बोला है, 20% वार्षिक दर है, यानी कि 12 महीने का 20% है, 12 महीने का 20% है, तो बताइए 3 महीने का 5% आएगा क्या, क्लियर। तो 5% लिख दूं मैं यहां पर, 5% और 5% है ना, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। 3-3 महीने का कितना आएगा, 5% 5% और 5% है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, 5% है ना, ये समझ में आया ना आपको, ये एक साइकिल, क्योंकि 12 महीने का एक साइकिल चलेगा, है ना, ठीक है, 12 महीने का एक साइकिल चलेगा, लेकिन एक साइकिल भी पूरा नहीं बनेगा, उधारी ही 9 महीने की, 9 महीने का एक ही सेट बन के रह जाएगा, और यहाँ 3-3 महीने के 3 सेट बनेंगे, 3 तिमाही है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, यदि मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, अच्छा यहाँ का रेट कितना आएगा, यहाँ का रेट 15% आएगा क्या सीधे, अरे 9 महीने का एक ही सेट है ना यार, यदि 3 महीने का 5% है तो 9 महीने का 15% हिसाब लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते, एक तो रिजल्टेंट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट अप्रोच ऐसा है कि मैं यदि होता तो इस क्वेश्चन को ओरली कर देता, ठीक है। ये क्वेश्चन एक प्रकार से क्या है पता है, ये क्वेश्चन एक प्रकार से यूँ है कि टाइम 3 साल और 3 साल में हर साल रेट 5%, कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन पर नजरिया आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आपको दिया 18.3 रुपीज एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन है इतना सा, ठीक है। तो 5% क्या होता है, 1/20। डी दिया है, पी निकालना है, तो डी और पी कैसे बनाते हैं, 3 साल में प्रिंसिपल नीचे वाले के क्यूब से बन जाएगा, 8000 यूनिट, क्लियर। और डिफरेंस 23 60+1 61 बनेगा ना, नीचे इंटू 3 करके ऊपर वाला एक जोड़ दो, ये 61 यूनिट किसके बराबर दिया, 18.3 रुपीज इसके बराबर दिया है। ये इतना सा क्वेश्चन है ओरली होने वाला, ठीक है। डेसिमल हटा दो तो इंटू 3 है, डेसिमल हटा दो तो इंटू 3 है, लेकिन 0.3 होगा क्योंकि डेसिमल है 0.3, तो 8000 में 0.3 का इंटू करेंगे 2400 आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा, इस नजरिए से सवाल को कैसे देखना ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब सुनिए, 15% है, रिजल्टेंट से करें तो इधर का ब्याज 15% है, सिर्फ 15, एक ही साइकिल है, 15% का मतलब साधारण ब्याज की तरह काम कर रहा है ये, क्लियर है ना, एक ही साइकिल एक ही बार का 15%, तो एसआई सीआई तो रहा ही नहीं, वो एसआई ही हो गया ना। अच्छा इधर सीआई लगेगा, 5 5 5 का रिजल्टेंट 15.7625% होता है, बताइए लग जाएगा कि लग जाएगा, रिजल्टेंट मेथड, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब सुनिए, एक तो रिजल्टेंट से भी हो जाएगा सीधे, अच्छा दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस 0.7625% है, जो कि किसके बराबर दिया आपको, 18.3 रुपीज़,
तो प्रिंसिपल यानी कि 100% बराबर कितना, यदि ये परसेंट बराबर इतना तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 2400 आंसर, क्लियर, रिजल्टेंट मेथड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये मेथड सिखाना चाह रहा हूँ कि ये नजरिया कैसे बनेगा यहाँ पे। ये तो 3 साल है लेकिन ये 3 साल दिख नहीं रहा है, तो इसको हम 3 साल मान सकते हैं इस प्रकार से, 1 2 3, 3 3 महीने के 3 सेट बना लो और हर सेट पे क्या आएगा, 5% आएगा। अब आप सोचो जरा, यदि 5% तीनों मिला के सिर्फ 15 बन रहा है, इट मीन्स वो साधारण ब्याज केस हुआ कि नहीं हुआ। अरे 5 5 5 3 बार मिला के 15 यदि बनता है तो वो साधारण ब्याज है, और 5 5 5 तीनों मिला के 15 यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो एक प्रकार से ये 3 साल का SI और ये 3 साल का CI हो गया कि नहीं हो गया, आई बात समझ में, क्लियर। ये 3 साल का SI और ये 3 साल का CI हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। तो 3 साल का SI हो गया और ये 3 साल का क्या हो गया आपका CI, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो 3 साल का SI, 3 साल का CI, यानी कि 3 साल का और 3 साल का SI CI का डिफरेंस आपको दिया है, है ना, और रेट 5% हो गया, क्लियर। तो प्रिंसिपल आपको निकालना हो गया ना, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ रहा हूँ, अगले सवाल आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 9 लेना है ना नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ना क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 को करने की बात करो तो 10% रेट है, 1/10, तो 10 का स्क्वायर 2800 प्रिंसिपल हो गया, 2800 प्रिंसिपल पर 6B+4C+D चला लेंगे 5% रेट से। यदि मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता देखिए बताता हूँ। सीधे मैं 2800 प्रिंसिपल इमेजिन कर लेता उस कैलकुलेशन को देख के, और सिर्फ 6B+4C+D निकालना है मुझे, और रेट क्या है 5%, समझो आप बात, 5%। तो पहली बार 5% निकालेंगे तो ए आएगा, ए कितना आएगा इसका 140, दूसरी बार 5% निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर 5% निकालेंगे तो 0.35 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर 5% की ज़रूरत ही नहीं है ना आपको, इतने में तो आ जाएगा आंसर, ये 42+0.35 4 बार करेंगे 1.40 रुपये तो 43.4 के आसपास आएगा, कौन है ऑप्शन 43.41, ये ऑप्शन सी आ जाएगा ना आंसर आपका, क्लियर, ठीक है। देखो इस प्रकार से होगा, अब मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ इसकी। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, कितने साल है, 2 साल, 2 ईयर्स, 10% रेट है, SICI का डिफरेंस दिया 2800 रुपये, है ना, 2 ईयर्स, 10% रेट है आपका, ठीक है ना, 10% रेट है, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स है ना, 12 मंथ्स और 12 मंथ्स, ठीक है। ये SI है और ये क्या है CI, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, डिफरेंस दिया 28 रुपये, SICI का डिफरेंस कितना दिया 28 रुपये, ठीक है ना, एक ही जैसी राशि, एक बार 2 साल SI पर 10%, एक बार 2 साल CI पर 10%, क्लियर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है इसी केस को, यदि इसी गेम को पूरा 6 मंथली प्ले कर ले, यदि इसी गेम को 6 मंथली प्ले करोगे तो हर एक 12 महीना 2 टुकड़े 6 6 महीने में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर, 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, क्लियर। इधर भी सेम हो, 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, क्लियर। तो रेट भी ब्रेक हो जाएगा 5 5% में, 5% 5% 5% 5%, क्लियर, यहाँ भी 5% 5% 5% और 5%, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए, ये SI है CI, अभी एक प्रकार से 4 साल हो गया ना, तो 4 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए, 6B+4C+D होता है कि नहीं होता है बताइए मुझे जरा, हो गया ना 4 साल का डिफरेंस। तो क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है, क्वेश्चन में हमसे ये डिमांड की गई है कि 2 साल का CISI का डिफरेंस ये दिया, यदि इसको 6 मंथली प्ले कर ले तो ऐसा हो जाएगा, इसका डिफरेंस क्या हो गया CISI का। तो 4 साल का डिफरेंस, एक 6B+4C+D आएगा, ये SI है और ये CI है, आई बात समझ में, है ना, ठीक है। 4 साल का डिफरेंस वाला फॉर्मूल लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब सुनिए यहां से कहानी क्या है, ठीक है, डिफरेंस है आपका 28 रुपीज, है ना, ठीक है। तो यदि प्रिंसिपल पता चल जाए तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर ABCD निकाल लोगे आप, तो प्रिंसिपल यहाँ से, ये क्या है एक प्रकार से, टाइम 2 ईयर्स है, रेट 10% है दिया है ना, और D दिया है तो P निकालना आता है आपको, अरे सबसे बेसिक सवाल था ना, 10% 1/10, तो D और P कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर से D बनेगा, है ना, और 10 के स्क्वायर से P बनेगा, क्लियर। तो 1 यूनिट और 100 यूनिट, क्लियर, ये 1 यूनिट डी किसके बराबर है, 28 रुपए, है ना,
एक बराबर 28, तो 100 बराबर 100 इंटू 28 कितना आएगा, 2800 रुपये। क्लियर? तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2800 रुपये। ये 2800 प्रिंसिपल मैंने ओरली एज्यूम कर लिया था, वही चीज है ना यार, 10% 1/10, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 1 बराबर 28, तो 100 बराबर 2800 आ जाएगा ना, ये तो ओरली निकाल सकते हो आप, बस सीधे आपको इमेजिन करके ये काम करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रांडेड होती ना कुछ चीज़ें वैसा। इसका 5% क्या आएगा, तो वो तो निकाला हुआ है ना मैंने पूरा इधर, क्लियर आई बात, 43.4 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 पर आ रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा है, करवाना चाहिए, लेकिन टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 1 उससे भी अच्छा है। तो टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा तो अपने आप कवर हो जाएगा। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, 2 सेकंड रुकिए, है ना। चलो, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टाइप 7 डिफरेंट रेट वाले क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट रेट। तो डिफरेंट रेट में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वो चीज मैंने बताई है आप लोगों को, है ना। चलिए बात करते हैं टाइप 7 के डिफरेंट रेट के। क्लियर? ये 3 मंथली, 4 मंथली, क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस थे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम टाइप 7, है ना। टाइप सेवन में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के जरिए मैं आपका डिफरेंट रेट के रिजल्टेंट निकालने का रिवीजन भी करवा दूंगा, है ना। चलिए, रेट 6% है, 1/4 ईयर्स, ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए, एक ही राशि को दो बार लिया है, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। एक बार 12 मंथली चलाना है उसी उधारी को एक बार हमें 6 मंथली चलाना है। क्लियर? ये दो कहानियां है ना, ठीक है। और 1/4 ईयर्स टाइम है ना, टाइम कितना है, 1/4 ईयर्स। 1/4 ईयर्स यानी कि 15 माह, 15 मंथ्स की उधारी है टोटल। तो 15 मंथ्स को एक बार 6 मंथली चलाएंगे, एक बार 12 मंथली चलाएंगे। जब 15 मंथ्स को हम 6 मंथली चलाएंगे, ठीक है ना, देखिए 15 मंथ्स को जब हम 6 मंथली चलाएंगे, देखिए 6 महीने के 2 सेट बन जाएंगे और तीसरा सेट 3 महीने का बनेगा क्या। क्लियर है ना। क्लियर, ठीक है ना। 15 मंथ्स के 2 सेट बन जाएंगे और तीसरा 3 महीने का बनेगा, है ना। क्लियर? 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 माह के हिसाब से, 6 माह के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा। 12 मंथली चलाओगे तो एक सेट 12 महीने का बनेगा, दूसरा सेट वही 3 महीने का ही बनेगा, मजबूरी है। अरे 12 मंथली चलाने का मतलब 12 महीने का एक साइकिल बनाओ, 15 महीने के इसमें 12 महीने का एक, दूसरा तो 3 महीने का ही कट के रह जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर, ठीक है ना। अब रेट लगा दें इनके ऊपर हम, रेट क्या क्या है, रेट क्या दिया है हमें, देखिए 6% पर एनम दिया, यानी कि 12 मंथ्स का 6%, है ना। तो 12 मंथ्स का यदि 6% है तो बताइए 3 मंथ्स का कितना आएगा, 3 मंथ्स का कितना आएगा, 1.6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का 3% आएगा और 3 मंथ्स का 1.5% आएगा, कितना आएगा, 1.5%, है ना, ठीक है। चलिए, तो 6 मंथ का 3% है तो 6 मंथ्स के ऊपर 3% लगा देते हैं, और 3 महीने का 1.5% है तो यहाँ 1.5% लगा देते हैं, ठीक है। 12 महीने का 6% है तो 6% लगा देते हैं, ठीक है, और 3 महीने का 1.5% है तो 1.5% लगा देते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। चलो अब देखो इसको किस मेथड से करें। अच्छा, दिया क्या है इसमें, सी आई एंड कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ठीक है, एक मिनट, 6% है ना, 1.827 रुपीस डिफरेंस दिया है, दोनों ओर से आने वाला ब्याज का डिफरेंस दिया है 1.827। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ होल सीआई, 1.827 रुपीस डिफरेंस गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। क्या निकालना है हमें यहां पर, प्रिंसिपल निकालना है ना, डिफरेंस 1.827 रुपीस है एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, रिजल्टेंट निकालने की मेथड, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने की मेथड की यदि हम बात करें, ठीक है,
तो ये 2 साल का रिजल्टेंट, 2 साइकिल यानी कि 2 साल का रिजल्टेंट और 3 साइकिल यानी कि 3 साल का रिजल्टेंट है ना। तो 2 साल के रिजल्टेंट की यदि हम बात करें तो 2 साल के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 2 साल के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और डेसिमल के बाद एक्स इंटू वाई और हमेशा 2 प्लेसेस आएंगे। और 3 बार के रिजल्ट, ये एक्स वाई और जेड, ये एक्स परसेंट है, वाई परसेंट है, ये एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होता है एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, ठीक है, इसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और यहाँ आएगा एक्स वाई जेड, क्लियर, ठीक है। यहाँ भी 2 प्लेसेस होंगी, यहाँ भी 2 प्लेसेस होंगी, ठीक है। ये 4 प्लेसेस फिक्स हैं, 2 प्लेसेस फिक्स है ना। अब सुनिए मेरी बात, इधर एक्स प्लस वाई करना है तो 6 प्लस 1.5 7.5 आएगा, 7.5 7.5 इस प्लेस पर आएगा, समझाया था मैंने आप लोगों को है ना। 6 प्लस 1.5 तो 7.5, 7.5 यहाँ आएगा, क्लियर। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यानी कि 6 × 1.5 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 को क्या लिखेंगे आप, 0 9 है ना, 2 प्लेसेस फिल करना जरूरी है। 6 × 1.5 करोगे, 1.5 × 6 करोगे तो 9 आ जाएगा, 7.59% बन रहा है। देखिए 0 प्लस ये ऐड होंगे, एक ही प्लस पर आने वाले वैल्यू ऐड होंगे है ना, तो बताइए 7.59% बन रहा है, ये है ना 7.59, ठीक है। इसकी बात करें तो x प्लस 3 6 7 7.5 तो 7 पॉइंट इस प्लेस पर क्या आ जाएगा, 5, क्लियर, इधर है ना। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 9 9 × 1.5 13.5 आएगा ही, 3 × 3 × 1.5 करोगे ना तो ये आएगा आपका 13.5, तो 13.5 हर एक बॉक्स का डेसिमल उसके एंड पे एज्यूम करना है, हर एक बॉक्स का डेसिमल उसके एंड पे एज्यूम करना है, 13.5 13.5 ये बताया था मैंने ना, तो अज्यूम करना बस, डेसिमल है नहीं एक्चुअली, ये 135 हो गया, कंटिन्यू है ना, ठीक है। अब है ना इधर 3 3 9 एक्स इंटू वाई, 3 3 9 प्लस वाई इंटू जेड, 3 × 1.5 4.5 प्लस फिर 3 × 1.5 4.5 तो 4.5 प्लस 4.5 प्लस 2 9 9 कितना आ गया 18, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो क्या हो गया ये 7.68135%, क्लियर, ठीक है, तो 7.59% और ये 7.68135%, भाई बात समझ में है ना। इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, दिस इज द ओनली वे, आ रही है बात समझ में, क्लियर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें हम, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यदि हम लेते हैं तो माइनस कर लेंगे इसमें से इसको, तो 18 में से 9 गया तो 9 है ना 0, ये आएगा 0.09135%, ये आएगा। ये डिफरेंस किसके बराबर दिया है, 1.827 रुपीस के बराबर, तो 100% बराबर कितना, प्रिंसिपल 100% मानेंगे ना, आ जाएगा आंसर आपका, क्लियर है। तो 0.09135% बराबर 1.827, ऑप्शंस की ओर देखो आप, तो ऑप्शंस क्या हैं, 2800 2000 3000 1500, ठीक है। तो आप यदि डेसिमल वगैरह हटा दो तो ऐसा नहीं लगता इसका डबल जैसा है, देखो इसका डबल करोगे तो 9 का डबल 18, 35 का डबल 70 है ना, तो 7 है ना, ठीक है, 9 का डबल 18, 1 का डबल 2, 9 का डबल 18, 1 का डबल 2 है ना, और 35 का डबल 70, तो 7 0, इस प्रकार से है ना डबल का रिलेशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखोगे तो शायद ये इंटू 200 का रिलेशन है, आई थिंक कि इंटू 20 का है, 9 × 18 इंटू 20 का रिलेशन, इंटू 20 इंटू 20 रिलेशनशिप देखना पड़ेगा आपको है ना, इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, कितना आ जाएगा आंसर आपका 2000, क्लियर। ऑप्शन की ओर देखो आप, ऑप्शन आपके 200 1500 ऐसे है ना, यदि 200 1500 ऐसे हैं तो इंटू 20 करेंगे तभी तो 2000 1500 2000 3000 ऐसे ऑप्शन है आपके, 2000 3000 1500, तो आप ही सोचिए, या तो इंटू 20 होने वाला है, या फिर इंटू 30 होने वाला है, या फिर इंटू 15 होने वाला है, ऑप्शन से भी तो इमेजिन कर सकते हो, तो इंटू 20 इंटू इंटू 20 इंटू 30 या फिर इंटू 15 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो या तो इंटू 20 इंटू 30 इंटू 15 वाले रिलेशन मिलने वाले, तो आप इमेजिन करोगे 20 30 और 15 को नजरिए में रख के यहाँ संघर्ष करोगे तो अपने आप दिख जाएगा 20 आएगा, 30 तो आ नहीं सकता, 3 9 27, तो 2 और 7 तो है ना स्टार्टिंग में, तो 9 2 18 1 और 8 है, मतलब इंटू 20 ही आएगा, आई ना ये कला जो ये आर्ट मैंने आपको बताया समझ में, क्लियर। तो 2000 आंसर, सॉरी 2000 नहीं 2000 आंसर आ जाएगा है ना।
आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब आप सोचते हैं यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू शुड सॉल्व इट। एसएससी मेन एग्जाम है, एसएससी प्री में ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है रियरली, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा प्री में। मेंस में यदि ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू सॉल्व इट। समझ आ रही बात? क्लियर? रिजल्टेंट निकालने में देखो कहीं टाइम लगा? नहीं टाइम लगा, ठीक से सोचोगे कोई टाइम नहीं लगा। डिफरेंस निकालने में कोई खास टाइम नहीं लगेगा, क्लियर? और ये इनटू रिलेशनशिप देखने में टाइम नहीं, ऑप्शन सामने, ऑप्शन को इमेजिन करके रिलेशनशिप इमेजिन करो इनको नजरे में रख के, तो अपने आप क्लिक हो जाएगा कौन सा आएगा। क्लियर? 2000 रुपये आंसर आ जाएगा, है ना। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये। दिस इज द केस ऑफ डिफरेंट रेट। क्लियर? यहां से डिफरेंट रेट के 2 साल 3 साल के वैसे भी सीख भी गए आप, रिजल्टेंट निकालना भी सीख गए सवाल के साथ साथ। क्लियर? चलिए 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें, है ना, ठीक है। और सेम रेट का निकालने का तरीका क्या होता है? सेम रेट का तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको आता है, डिफरेंट रेट का मैंने यहाँ सिखा दिया आपको, है ना, कवर हो गया डिफरेंट रेट वाला रिजल्टेंट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमें कि एक मिनट, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सी आई विल अमाउंट, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना। वन परसेंट, 2% और 3%। क्लियर? अमाउंट क्या है? 5305.53, है ना, अमाउंट है आपका 5305.53, ये अमाउंट है। क्लियर? इतनी बात ठीक है ना। अब प्रिंसिपल आपको निकालना है ना, सुनिए मेरी बात, ठीक है। रिजल्टेंट मेथड का यूज़ करेंगे, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, सबसे अच्छा मेथड है रिजल्टेंट मेथड। प्रिंसिपल प्लस सी आई से क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। तो 1, 2, 3 का रिजल्टेंट निकालना है, तो मेथड बताया था ना मैंने, 6.6826 6.1106% आएगा। प्रिंसिपल 100% है प्लस सी आई आएगा, 6.1106% आएगा सी आई। तो अमाउंट क्या बन जाएगा? 106.1106% अमाउंट बन जाएगा, है ना। जितनी जल्दी निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 6 पॉइंट, दो बॉक्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। यहाँ x इंटू वाई इंटू जेड आएगा, तो x इंटू वाई इंटू जेड 6 आएगा, तो 06 लिखोगे आप। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई 1 × 2 2 प्लस वाई इंटू जेड वाई जेड 2 × 3 6 प्लस एक्स इंटू जेड 3, तो 11 आएगा, 6.1106% आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। ये 106.1106% किसके इक्वल गिवन है आपको? 5305.53। क्लियर? आप देखिए ठीक से, इंटू 50 का रिलेशनशिप है शायद, तो 100% बराबर इंटू 50 करोगे 5000। अब आप बोलोगे सर रिलेशनशिप का क्या करें? अरे ऑप्शंस आपके सामने है ना, ऑप्शंस क्या है देखिए, ये आंसर जो 5000 है, ऑप्शंस क्या क्या है आपके सामने? ऑप्शन है आपके सामने 4500, 4800, 5051। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? 4500, 4800, 5051। अब आप देखिए, ये आंसर तब आएगा जब इंटू 45 होगा, ये आंसर तब आएगा जब इंटू 48 होगा, ये आंसर तब आएगा जब इंटू 51 होगा। तो ऑप्शन को देखकर आप जज कर लो, इन चारों में से कोई एक रिलेशन आएगा। अब इन चारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ आप देखोगे तो सीधी सी बात है, इंटू 45 तो दिख नहीं रहा, इंटू 5 ही दिख रहा है आपको। इंटू 5 करोगे तभी तो आएगा ना, 5 1 5, 5 6 30, तो 530 से स्टार्ट होना चाहिए आपका। क्लियर? 530 से कब स्टार्ट होगा आपका रिलेशन? जब इंटू 5 होगा तभी ना। क्लियर? इंटू 4 इंटू 48 इंटू 51 में होगी क्या कहानी? सेट नहीं होगी। क्लियर? आप डेसिमल डेसिमल को हटा दो, ठीक 5 गुना करो इसका, हर एक अंक को 5 गुना करोगे, इधर भी डेसिमल हटा दो, इधर भी डेसिमल हटा दो, 5 गुना करो, एक्जैक्टली 5 गुना करोगे, सारे अंक आपके कॉपी हो जाएंगे सीधे, ठीक है। इंटू 50 यानी कि आंसर इसका 5000 है। क्लियर है? ये जो छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ ना कैलकुलेशन वाली, ध्यान रखना, यहाँ अटकेंगे आप एग्जाम में, ठीक है, इंटू 50, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। टाइप 7 में है अभी हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। किसी पैसे पर 4 साल 4% SI, किसी पैसे पर 4 साल 4% SI और उसी पैसे पर 5% 3 साल CI। क्लियर? 4% 4 साल SI और उसी पर 5% 3 साल CI। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, 5% 3 साल CI, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, इधर का जो साधारण ब्याज बनेगा और इधर का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, है ना,
सीआई की तुलना में एसआई को 57 रुपीज ज्यादा बताया है। क्लियर, सीआई की तुलना में एसआई को 57 रुपीज ज्यादा बताया, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। मतलब ये प्रिंसिपल क्या बनेगा, ये हमें निकालना दो तरीके, एक रिजल्टेंट एक नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड ज्यादा इजीली होगा, रिजल्टेंट की बात करेंगे, चार 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 एसआई 16% हो गया, और तीन बार का 5.5% से सीआई 15.7625% हो गया। क्लियर, देखिए इसकी तुलना में कितना मत ज्यादा है, आई थिंक 0.2375% ज्यादा है, ये है ना, इतना ही है शायद, 2375% ज्यादा है। क्लियर, अच्छा सीआई का रिजल्टेंट ये बनेगा, एसआई का इसकी तुलना में देखो कितना ज्यादा है, 0.2375% ज्यादा है, 57 रुपए के बराबर दिया है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आंसर, तो 100% बराबर क्या आएगा इसका, याद था मुझे आंसर, सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल लो 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू निकालोगे 0.2375 अपन में आएगा, ठीक है, और फिर इंटू 100 कर देना तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर 100% का वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं अभी। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं रेशियो वाली मेथड से करूंगा, एक मिनट रुकिए, है ना, इस क्वेश्चन को यदि मैं इस क्वेश्चन को रेशियो वाली मेथड से करूंगा, समझ आ रही बात, ठीक है, तो रेशियो वाली मेथड से एसआई की ओर नहीं देखते, सीआई की ओर देखते हैं। 5% 1/20 होता है, तो 1/20 यानी कि 20:21, 20:21, 20:21, 3 बार आएगा रास्ते में, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट, एसआई को मत देखो, सीआई को देखो, प्रिंसिपल से अमाउंट 20 का क्यूब 21 का क्यूब आएगा, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बना, 20 के क्यूब से 21 का क्यूब, यानी कि 8000 से 9261। क्लियर है ना, 8000 से 9261, बताइए सीआई कितना बना, 1261 यूनिट सीआई बना कि नहीं बना। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना, 8000 से 9261, 1261, और प्रिंसिपल क्या अज्यूम हो गया, 8000 यूनिट प्रिंसिपल, 1261 यूनिट सीआई। अब एसआई और बना ले, तो एसआई आपने एक प्रकार से 8000 यूनिट क्या मान लिया, प्रिंसिपल, तो 8000 यूनिट पर 4% चार बार, यानी कि 8000 यूनिट का 16% निकालेंगे, सीधे एसआई यूनिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 8000 का 16% कितना होगा, 1280 यूनिट, है ना, तो एसआई 1280 और सीआई 1261 है ना, ठीक है। तो अब देखिए सीआई से एसआई 19 यूनिट ज्यादा है कि नहीं है, क्या है ना, सीआई 1261 यूनिट और एसआई 1280, तो सीआई से एसआई 19 यूनिट ज्यादा है कि नहीं है, ये 19 यूनिट ज्यादा है, किसके बराबर दिया, 57 रुपीस। क्लियर, तो इंटू 3 का रिलेशन है, तो 8000 × 3 है ना 8000, 24000 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, देखिए इसमें कैलकुलेशन इजी था, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होता, यहाँ कैलकुलेशन नहीं है, 8000 9261 1261, इतना डेटा तो आपको याद होता है। क्लियर, 5% के लिए 3 साल का इतना डेटा याद होता है, बस आपको इतनी से मेहनत करनी, 8000 का 16% 1280 19 = 57 × 3, तो 8000 × 3 = 24000। क्लियर, चलो टाइप 8 पर आते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट रेट वाले टास्क थे इस प्रकार से ना, मैं टाइप 8 पर आ रहा हूँ, ठीक है ना, आ जाते हैं टाइप 8 पर। हाँ, टाइप 8 में रेट निकालने वाले क्वेश्चन से फाइंडिंग रेट है ना, टाइप 8 में आएंगे आपके सामने रेट निकालने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब रेट निकालने वाले क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस लेते कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए टाइप 8, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, अ सम ऑफ मनी सर्टेन एयर बिकम 6/5 टाइम्स इन 2 ईयर्स, 2 साल, 2 साल में 6/5 गुना हो जाती है, तो 6/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:6 आ जाएगा, ये इधर जाएगा इधर, फाइनली क्या लिख लो इसको मैं, 5:6। क्लियर, रेट निकाल, अच्छा कितने साइकिल है अभी इनके बीच, 2 साइकिल है कि नहीं, रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल के अंदर जाना होता है, तो 5 और 6 को उठाइए और 2 साइकिल से 1 साइकिल में ले जाओगे, 2 से 1 यानी कि पावर 1/2 लग जाएगी, 20% रेट मत बोल देना सीधे, है ना, 1 साइकिल में जाने के बाद रेट का क्या फंडा है, जितने भी साइकिल पे सवाल आपको खड़ा करे, 2 साइकिल पे खड़ा किया, रेट निकालने के लिए हमेशा कहाँ जाना होता है आपको, 1 साइकिल पर, है ना, रेट निकालने के लिए हमेशा आपको कहाँ जाना होता है, 1 साइकिल पर, 2 साइकिल से 1 साइकिल पे जाने का मतलब 2 से 1 यानी कि आधा कर रहे हो, तो पावर आधी हो जाएगी, 5 की पावर 1/2, 6। अब आ गए आप 1 साइकिल के अंदर, अब रेट निकाल लो, रेट निकालने क्या फॉर्मूला, नीचे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल और अमाउंट होता है एक प्रकार से 1 साइकिल में, नीचे प्रिंसिपल आएगा 5 की पावर 1/2, ऊपर ब्याज आएगा इंटरेस्ट, है ना, नीचे प्रिंसिपल और ऊपर इंटरेस्ट इंटू में 100, ये तरीका होता है रेट निकालने का। क्लियर है ना, एक प्रकार से √5 √6 भी लिख सकते हैं इनको, है ना, ब्याज कैसे आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ब्याज बनता है कि नहीं बनता, आई बात समझ में ना,
अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो बताइए ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर? इतनी बात है ना। तो 6 की पावर 1/2 माइनस 5 की पावर 1/2 अपन 5 की पावर 100, क्लियर आ जाएगा ये 8%, क्लियर? इतनी बात, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। असट 8,000 एंड 27,000 2 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, कोई पैसा 2 साल बाद 8,000 हो जाता है और 5 साल बाद, तो यहाँ से 3 साल 27,000 हो जाता है, क्लियर? ठीक है, क्या निकालना है? रेट और प्रिंसिपल निकाल। अब सुनिए मेरी बात, 3 साइकिल, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो गया, 3 साइकिल है तो इनको 3 0 3 0 कैंसिल होंगे, 8 से 27 का रिलेशन है ये। कितने साइकिल है यहाँ पर? 3 साइकिल, क्लियर। और यहाँ पर कितने साइकिल है आपके? 2 साइकिल, क्लियर। तो 8 और 27 यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है कि नहीं है ये? तो पर साइकिल रिलेशन 2:3 आ जाएगा, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 3 साइकिल में पर साइकिल 2:3, पर साइकिल 2:3 यानी कि रेट हमारा 50% आ गया, क्या बोलिए? अरे एक का ब्याज है ना यार 2 पर इंटू 100, आ जाएगा रेट 50%, ठीक है। अब देखिए क्यूब है, 2 साइकिल है ना, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इधर अमाउंट हो जाएगा, है ना। एक बार इसको प्रिंसिपल अमाउंट मान लो, रेट आ जाए, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो, प्रिंसिपल आ जाएगा। अच्छा 2 साइकिल में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यूज होगा, है ना, यानी कि 4 और 9 यूज होगा कि नहीं होगा? 2 का क्यूब 3 का क्यूब या 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 4 से 9 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? तो 9 बराबर 8,000, तो 4 बराबर कितना? तो 8,000 बाई 9 32,000 बाई 9 आ जाएगा प्रिंसिपल आपका। ये थोड़ा सा रिवीजन करवाना था इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, आ जाइए सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये रेट निकालने वाले टास्क है ना। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सॉरी टाइप 8 ही है ना, टाइप 8, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 नंबर का सवाल? 1,000 रुपये 3 साल बाद जितने हो जाएंगे उसी के बराबर 3 साल डेप्रिसिएशन 1,728 उतना ही हो जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया 3 साल में 8% रेट मान लेते हैं ना कि दिया है रेट। अच्छा दिया है रेट ना, 10% दिया है रेट इसका, रेट इसका दिया है हमें 10%। 3 साल में जितना हो जाएगा उतना ही 1,728 रुपया 3 साल में घट घट कर हो जाएगा, मान लो 8% रेट से घट रहा है ये। ये बोला है कि 1,000 रुपया 10% ब्याज लग लग के जितना हो जाएगा उतना ही 1,728 3 बार लगातार चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से घटेगा, क्लियर। तो 1,000 10% 3 बार आप जानते हैं 1,331 होता है, 10 का क्यूब 11 का क्यूब यानी कि 1,000 से 1,331, 1,000 बराबर 1,000 1,331, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, है ना। अच्छा है 12 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, यानी कि हर साइकिल का रिलेशन 12 से 11 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 12 का क्यूब 11 क्यूब 12 से 11 आएगा, 12 से 11, तो आर का वैल्यू आ जाएगा एक प्रकार से। प्रिंसिपल ये अमाउंट है 12 से 11, तो एक का ब्याज की जगह एक का डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन हो ब्याज जो भी हो सेम फंडा, 1/12 × 100, क्लियर। निकालना क्या है इसमें, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। यदि ये 10% है, ठीक है, 10 और R का डिफरेंस निकालना है, 10 और R का। तो R कितना आ रहा हमारा? R हमारा आ रहा है, एक मिनट, 100/12 कितना होगा? 25/3, क्लियर, ठीक है ना। तो R का वैल्यू कितना होगा? 25/3, तो 5/3% आ जाएगा क्या, क्लियर, ठीक है ना। चलो तो ये टाइप एड था ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है, ये भी इजी, वैसे कुछ नहीं, 1,331 12 11 सीधे दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलो टाइप एड पार्ट बी, टाइप एड में है पार्ट बी, पार्ट बी इजी है, एक ही क्वेश्चन लूंगा इसमें पार्ट बी में, ठीक है ना। चलिए मैंने बोला ना समरी देखने का मतलब इन क्वेश्चंस को देखकर शीट हाथ में रख के बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओरली इमेजिन करो, ये आदत डाल लेना, अपने सारे टॉपिक्स आपके हाथ में रहेंगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप एट पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है ना। 97th ईयर और 100th ईयर का CI दिया है, 97th ईयर और 100th ईयर का CI दिया है, क्लियर। तो 97 से 98 98 से 99, मतलब 3 साइकिल है कि नहीं है? 97th ईयर का CI एक प्रकार से प्रिंसिपल और अमाउंट माना जाएगा, बताया था मैंने, है ना। CI भी प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो 97th ईयर का CI यानी कि 32,000 दिया है, ठीक है, और ये 1,08,000 दिया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में बताइए 3 साइकिल है कि नहीं है? तो 3 साल का केस है तो क्यूब मिलना चाहिए, 3 0 3 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 4 से कटोगे 8 बार, 4 से कटोगे 27 बार, 8 से 27 यानी कि 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? कितने साइकिल है? 3 साइकिल। तो 2:3 यानी कि 50% रेट आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आती है क्या बात समझ में, क्लियर है? तो 50% रेट आ जाएगा, है ना। बस ये टाइप 8 ऐसा ही है ना, टाइप 9 पर आ रहा हूँ मैं सीधे, ठीक है। नाउ कम टू टाइप 9, ठीक है।
टाइप पार्ट, पार्ट बी में क्या है, ब्याज ब्याज है, तो ब्याज ब्याज को भी प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं, बस सेम टास्क है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए टाइप नाइन है ना, टाइप नाइन में क्या है, टाइप नाइन में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, टाइप नाइन में क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए, एक मिनट है ना, टाइप एट में हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, एक मिनट, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर वन जो है ना, क्वेश्चन नंबर वन के ठीक बाद जो अगला सवाल है उस पर क्वेश्चन नंबर एट डला हुआ है, वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, है ना। उसमें क्या है, 8,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, और 9 to 6 1 हो जाता है, वो 9 to 6 1 हो जाता है ना, कितने टाइम में होता है, टाइम निकालना है, बस ये बोला है कि भैया इनके जो बीच का रास्ता है वो 6 मंथली है, बस हमें यही निकालना है कि टाइम कितना है ना। अच्छा रेट दिया है, रेट कितना दिया है, 10% पर एनम दिया है ना, 10% पर एनम यानी कि 12 माह का 10%, क्लियर। अब सीख लेना, टाइप नाइन टाइम निकालने वाले क्वेश्चन है ना। अब सुनिए, प्रिंसिपल दिया 8,000, अमाउंट दिया 9 to 6 1, 6 माही चलाना है, आदेश दिया गया है 6 माही के रास्ते चलनी चाहिए गाड़ी बीच में, और 10% रेट है पर एनम यानी कि 12 महीने का 10% है, 12 महीने का 10% है, तो हमारी गाड़ी 6 महीने पे 5-5% वाली चली होगी कि नहीं चली होगी, क्लियर। तो 5% यानी कि 20 का 21 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, 20 का 21, तो 20 के 21 के कितने साइकिल है पता कर ले, तो आप देखिए 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, इट मीन्स क्या है कि 20 से 21 के 3 साइकिल रहे होंगे बीच में, अरे नंबर ऑफ साइकिल कितने, नंबर ऑफ साइकिल पता लग गए मतलब समय की लेंथ पता लग गई, समझ आ रही बात, तो 20 से 21 का गेम चलेगा, यानी कि आप देखें 20 का क्यूब 21 का क्यूब यानी कि 20 से 21 के 3 साइकिल चले होंगे, सीधी सी बात है, 3 साइकिल यानी कि 6 महीना 6 महीना 3 बार यानी कि सीधी सी बात है 1.5 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 18 माह कितना होता है, 1.5 ईयर्स, क्लियर, तो 1.5 साल इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए आई क्या बात समझ में, क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। ये टाइप नाइन क्वेश्चन नंबर वन के बाद वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड पे जिस पे 8 लिखा है वो वाला क्वेश्चन मैंने समझाया, और इस क्वेश्चन के बहाने आपको ये भी याद आ गया कि टाइम निकालने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा, क्लियर, रेट दिया रहेगा, बस वो देखो क्या पावर आ रही है उसके हिसाब से उतने साइकिल यानी कि उतना टाइम आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर वन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर वन भी करवा दूँ नीचे इसी के साइड में ना, क्योंकि टाइम निकालने वाले क्वेश्चन थोड़े से याद आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है, प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल दिया है आपको क्वेश्चन नंबर वन में 30,000 रुपये, 30,000, क्लियर, और अमाउंट दिया नहीं है लेकिन ब्याज दिया है, तो इसमें यदि जोड़ लेंगे है ना तो अमाउंट आ जाएगा 4,347, ब्याज दिया है आपको, ब्याज तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट को यदि हम इसमें ऐड कर लें है ना, यदि ब्याज को इसमें जोड़ लें तो अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर, कितना है प्रिंसिपल आपका 30,000, और ये 34,347, ठीक है, 7% पर एनम रेट है यानी कि सालाना दर कितना है 7%, क्लियर, ठीक है ना, तो 1 साल का रेट कितना है 7%, ठीक है ना, सालाना दर 7%, ठीक है, 7% रेट है, इसका मतलब 7 by 100 यानी कि 100 से 107 के साइकिल बनेंगे, यानी कि हर साइकिल आपका 100 से 107 का बनेगा, 100 से 107 का बनेगा, आई बात समझ में, तो 100 से 107 की क्या पावर इनका दे, 3 से काटोगे तो ये ऐसा आएगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9, आप ठीक से देखना, ये 100 का स्क्वायर है और ये 107 का स्क्वायर है, क्लियर, ठीक है, 100 का स्क्वायर 107 का स्क्वायर यानी कि 2 साइकिल हैं, यानी कि 2 साल आएगा कि नहीं आएगा आंसर, क्लियर, इतनी बात है ना, 7% 100 से 107, क्लियर, 100 से 107 यानी कि 100 का स्क्वायर 107 का स्क्वायर, क्लियर, या फिर इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, 30,000 पे चला लो, 30,000 पे क्या करो 7% चला लो, सुनिए मेरी बात, 30,000 पर चला लो ना यार 7%, क्या दिक्कत है, चला लो 7%, कितना ब्याज बनाना है 4,347 ब्याज बनाना, जितने टाइम में 4,347 ब्याज बन जाए वो आंसर आ जाएगा, समझ में आई बात, क्लियर, 1 साल चलाएंगे 2 साल चलाएंगे 30,000 का 7% कितना होता है 2100, क्लियर, फिर 2100, फिर इसका 7% कितना होगा
147, देखो 4347 ब्याज बन गया। 4347 ब्याज कितने साल में बना? 2 साल में बना, यानी कि 2 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर? तो या तो ये तरीका लगा लो स्क्वायर वाला, या फिर ये भी लगा सकते हो, ठीक है, हर एक सवालों में, टाइम निकालने वालों में, ठीक है ना। प्रिंसिपल पे 7% चला लो, कितने टाइम में 4347 सवाल की डिमांड वाला ब्याज बन जाए, आंसर आ जाएगा, क्लियर। 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब जो आपको क्वेश्चन करना है, रुकिए एक मिनट, है ना। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये 3 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। 1200 रुपये 1500 हो जाते हैं 2 साल में। 1200 रुपये जो है वो 2 साल में कितने हो जाते हैं? 1500, है ना, 2 ईयर्स में। दो साल में कितने हो जाते हैं? 1500, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद यदि हम देखें 6 ईयर, 6 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 साल में, है ना, 6 साल में पैसा कितना हो जाएगा? अब आप एक चीज़ देखो, 6 साल में 2-2 साल के 3 साइकिल आएंगे क्या? ये 2 साल, ये 2 साल, 2-2 साल के 3 साइकिल आएंगे। अच्छा, इसका रेशियो बताइए 4 से 5 है कि नहीं है? 2 साल की 1 साइकिल का रेशियो 4 से 5, तो बताइए 4 से 5 की 3 साइकिल चलेगी, टोटल आएगा 4 से 5, ठीक है। तो यहां से यहां का डायरेक्ट कनेक्शन 4 का क्यूब और 5 के क्यूब से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए जरा। अरे 4 से 5, 4 से 5 के 3 साइकिल है ना, तो हो गया ना 6 साल में क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 2 साल का पावर 1 है, तो 2-2 साल 3 बार आएगा, तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो 64 यूनिट, और ये 125 यूनिट। ये 64 यूनिट किसके बराबर है? 1200, तो 125 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर, है ना, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर इसका? शायद ये डी वाला आंसर है, 2343.75, आई थिंक, है ना, नॉट श्योर, 2343.75 इसका आंसर आएगा, नॉट श्योर नहीं आएगा, आई थिंक, आई एम श्योर यही आंसर आएगा, ठीक है ना। 64 बराबर 1200, तो 125 बराबर कितना? 2343.75 आएगा। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। तो 64 बराबर इतना, तो 125 बराबर 2343.75 आ जाएगा, क्लियर। और भी तरीके से कर सकते थे, 4 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना पहले से यहाँ से यहाँ कूद जाते, फिर उसके बाद 4 बराबर इतना, 5 बराबर कितना, ऐसे करके भी आ सकते थे, क्लियर है, ठीक है, है ना। अब इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 गुना 6 साल में, तो 18 साल में कितना? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जिसपे 5 लिखा है वो सवाल करवा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए 6 साल में 2.5 गुना, 6 साल में कितना? और 2.5 गुना यानी कि 5/2 गुना, क्लियर। तो वो डिमांड कर रहा है 18 साल में कितने गुना होगा? 6 साल में यदि 2.5 गुना, 2.5 यानी कि 2.5 यानी कि 5/2, तो 18 साल में कितने गुना होगा? अब आप देखिए इंटू 3 हो रहा है ना, इंटू 3, 3 साइकिल यानी कि पावर 3 लग जाएगी 5/2 पर, बताया था मैंने आप लोगों को, है ना, तो 125/8 गुना, है ना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 के बाद मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, है ना, सेल्फ इन 6 ईयर्स, तो 8 टाइम्स, एक मिनट, है ना, 8 गुना 6 करवाऊँ, 7 करवाऊँ, ठीक है, बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटन 6 इन हाउ मेनी सेट विल बिकम 8 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा है, टाइम निकालने वाले क्वेश्चन कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसके, है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7 नंबर का सवाल आपका? 6 साल में 4 गुना, 6 ईयर्स में कितना हो रहा है? 4 टाइम्स, क्लियर, ठीक है। 6 ईयर्स में यदि 4 टाइम्स है, ठीक है ना, यदि 6 ईयर्स में 4 टाइम्स है, ठीक है, तो 8 टाइम्स कितने टाइम में, है ना, 8 टाइम्स कितने टाइम में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है ना, ये वाला नंबर हमेशा इसकी पावर में होना चाहिए, 4 की पावर नहीं बन रहा है ना, मतलब इस साइकिल को हमें खोलना पड़ेगा अंदर से। 6 साल में 4 गुना है का मतलब है कि इसको हम 3 साल में 2 गुना बोल सकते हैं क्या? इसको अंदर से खोलेंगे तो ये आएगा क्या? कैसे खोलते बताया था मैंने आपको, तो अब सवाल हमारा ये नहीं है, इसी को अंदर से खोला तो ये बना, अब इससे इसको कनेक्ट करेंगे, क्लियर, इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 गुना, 2 के फॉर्म में इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, बस इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होता है ना,
3 3 9 यानी कि आंसर 9 ईयर्स आ जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक है। हाँ, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका, अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 इयर्स, 2 साल में 16 गुना हो जाता है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है, एक केस है हाफ ईयरली का और एक केस है ईयरली का, वार्षिक, यानी कि एक बार 12 माही वाला गेम चलेगा और एक बार 6 मंथ वाला गेम चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर। एक बार 6 मंथली और एक बार चलेगा 12 मंथली, ठीक है। अब देखिए यहां से कहानी क्या है, सुनिए, है ना, एक बार 6 मंथली और एक बार 12 मंथली, है ना, ठीक है। 2 साल में 16 गुना, 2 साल में 16 गुना, ठीक है, ध्यान देना, है ना, इधर की इन्फॉर्मेशन दी, इधर हमसे पूछा है ना, 27 गुना कितने साल में होगा, तो अब यहां पे बोला 2 साल में 16 गुना, 2 ईयर्स में कितना हो रहा है, 16 गुना, 16 टाइम्स, है ना, 2 ईयर्स में हो रहा है 16 टाइम्स, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 2 साल में 16 गुना, तो 27 गुना कितने साल में, ये हमें निकालना है, 27 गुना कितने साल में, कितने वर्षों में 27 गुना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है, 2 साल में 16 गुना, कितने वर्षों में 27 गुना होगा। तब देखो जो जानकारी दी है वो हाफ ईयरली की है और जो जानकारी मांगी है वो ईयरली की है, समझ आ रही बात? तो हाफ ईयरली की जानकारी से पहले हमें ईयरली वाली इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो भी नियम कायदे लगेंगे ईयरली वाले लगेंगे, तो हाफ ईयरली से जानकारी निकाल के ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो ईयरली वाली जानकारी से ईयरली वाला आंसर हम निकालेंगे, समझ आ रही बात? क्लियर। 2 साल में 16 गुना, 2 साल में 16 गुना यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट, 16 गुना यानी कि 1 का 16, 2 साल में, 2 साल कितने साल, 2 साल, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स को यदि हाफ ईयरली देखोगे तो 4 सेट बने होंगे, बनेंगे 4 सेट, बताइए 2 साल में 16 गुना किस रास्ते, 2 साल में 16 गुना किस रास्ते, हाफ ईयरली के रास्ते, ये सच है कहानी का, कि भैया 2 साल में 16 गुना हुआ इस रास्ते नहीं, इस एक साइकिल, 4 साइकिल के रास्ते, नहीं कि 4 साल वाला कैसे, तो 4 साइकिल में पावर 4 होती है, बताइए इसको 1 की पावर 4 और इसको क्या हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसको हम 1 की पावर 4 और इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बोलिए, आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये 1 की पावर 4 और इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्लियर है इतनी बात? तो बताइए हर साइकिल पे 1:2 आया होगा 4 बार, तभी तो 1 की पावर 2 की पावर बनी होगी, और 1:2 मतलब 100% रेट डबल हो गया, यानी कि 6 महीने की दर 100% है क्या, 6 महीने का 100% है, तो सालाना यहाँ से 12 महीने की जानकारी चाहिए ना हमें वहाँ के लिए, तो बताइए 12 माह का 200% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सालाना जानकारी क्या मिली कि 12 महीने की ब्याज दर क्या है, 200%, 200% ब्याज दर का मतलब होता है कि 1 साल में कोई पैसा कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, 200% ब्याज दर का मतलब होता है कि 1 साल में कोई पैसा कितना हो रहा है, 3 गुना। आई बात, ये क्वेश्चन में होता तो ओरली उड़ाता, आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, 200% ब्याज का मतलब समझते हो, जैसे उधार लिया 100 रुपया और यदि 200% ब्याज लगा दो तो 100 का 200% 200 रुपया, बताइए 300 हुआ कि नहीं हुआ, तो बताइए 1 साल में 3 गुना हो रहा है, 200% ब्याज दर क्या करता है, किसी पैसे को 3 गुना करता है, 100 का 200% 200 रुपये, 100 प्लस 200 300, यानी कि बताइए पैसा 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है 1 साल में, तो 1 साल में 3 गुना, तो 200% ब्याज दर 1 साल में 3 गुना, 27 गुना कितने में हो जाएगा, बताइए इसके फॉर्म में इसको 3 की पावर 3 लिखोगे, 27 3 की पावर 3, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3 1 3 यानी कि 3 ईयर्स आएगा कि नहीं आएगा, आंसर बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 ईयर्स। बोली आती है क्या बात समझ में? क्लियर है, आराम से रिपीट करके देख लेना, है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ, है ना, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, कर लेते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 को, ज्यादा टाइम ले लिया क्या इस टाइप में, कोई बात नहीं चलेगा इतना, है ना, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना, ठीक है, हो गया 1 घंटा यार, टाइम का पता नहीं चलता है, हाँ कि बस बहुत है, इतना बहुत है यार, बाकी आप कर लेना इसमें, है ना, टाइप 10 पर आ रहा हूँ मैं सीधे, टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1, है ना, टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 8410 रुपये 2 अकाउंट में जमा करता है 2 बच्चों में,
एक पिता 8,410 रुपये अपने दो बेटों के खातों में जमा करता है, दोनों बेटों की एज है, एक 13 साल का है और दूसरा बच्चा 15 साल का है, ठीक है ना, दो बच्चों, पहला और दूसरा, ठीक है, बच्चों के नाम ए और बी दिए हैं क्या? नहीं, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, पहले बच्चे की आयु एज, पहला बच्चा 13 साल का है 13 ईयर्स और दूसरा बच्चा 15 साल का है ना, 18 वर्ष की आयु में दोनों को, दोनों अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे 18 वर्ष की आयु, मतलब ये सवाल ऐसा है कि दोनों छोटे बच्चे हैं तो एक पिता ने अपने दोनों छोटे बच्चों के अकाउंट खुलवा दिए और उनके खाते में पैसा डालना चालू कर दिया, ठीक है, और वो दोनों जब बालिग होंगे, जब वो बालिग होंगे, 18 साल में बालिग हो जाता ना, एक एज होती है ना, जब वो दोनों बालिग होंगे तो बालिग होने के बाद, मतलब मैच्योर्ड होने के बाद, वो अपना पैसा निकालेंगे 18 साल की आयु में। जब ये पैसा निकालेगा तो इसको 5 साल का ब्याज मिलेगा 13 से 18, इसको 3 साल का ब्याज मिलेगा। तो मैंने बताया था आपको कि इंटरवल की ज़रूरत होती है हमें, एक होता है एज और एक होता है अंतराल, ब्याज का अंतराल। तो एक एज होता है, एक ब्याज का अंतराल होता है, हमारे काम में एज नहीं आती, हमारे काम में ब्याज का अंतराल आता है। तो ये 5 साल तक ब्याज खाएगा, ये वाला 5 ईयर्स, और ये ब्याज कितने अंतराल तक खाएगा? 3 साल तक, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, हमें क्या करना है, 8,410 के दो टुकड़े करने, टुकड़े करने के लिए रेशियो लगेगा, जितनी जल्दी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी रेशियो में ब्रेक कर दोगे 8,410 को। तो रेशियो कैसे बनाना है, बस यही आर्ट, यही कला है टाइप 10 में ना, रेशियो कैसे बनाना है, ठीक है। अब सुनिए, ब्याज दर क्या है, रेट कितना है आपका, 5% है। अच्छा, 5% 1/20 होता है, 1/20 यानी कि 20 से 21 का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। अब 20 और 21, बस ये रेशियो बन गया, 20 इधर 21 इधर, या फिर 21 इधर 20 इधर, कौन किधर आएगा, जिधर कम है उधर ज़्यादा देना है, ज़्यादा है उधर कम, 5 इधर इधर ज़्यादा है तो इधर कम दो, 20 और 21 में से 20 इधर दो, है ना, बताया था मैंने, ठीक है। पावर कितनी आएगी, जितना डिफरेंस है 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 2 पावर आएगी। तो बस ये रेशियो बन गया, जितनी जल्दी ये रेशियो बनेगा ना उतनी जल्दी है, 400 और 441, 841, 841, 8,410, 10 का रिलेशन, 10 कर लेंगे, दोनों का पैसा आ जाएगा। तो इसका पैसा आएगा 4,000 रुपये, इसका पैसा आएगा 4,410 रुपये, बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात, है ना, इसका पैसा आएगा 4,000 रुपये, इसका पैसा आएगा 4,410 रुपये, क्लियर है, ठीक है ना। तो छोटे पुत्र के खाते में जमा की गई प्रारंभिक राशि 4,000, छोटा वाला ये था, एज से छोटा होता है, इंटरवल से नहीं, 13 साल का है ना छोटा वाला, 4,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिखा देता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा वो एक्सपेंसेस वाला है, खर्चे वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लेते हैं, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज 37/27 टाइम्स मोर देन बी, ए की आय बी की आय से 37/27 गुना ज्यादा है, ठीक है ना, है ना, तो यदि 27 अधिक है कितना आया जाएगा, 64, है ना, यदि ये 27 है तो 37 + 27 कितना आ जाएगा, ये 64, क्लियर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ठीक है ना, ए अपनी राशि खर्च करता 8% रेट से और बी खर्च करता 10% पर रेट सी आई से, है ना, ये अपनी राशि 8% रेट से खर्च करता है और ये खर्च करता है किस रेट से, 10% रेट से, है ना, 10% रेट से खर्च करता है, ठीक है। 3 साल के बाद दोनों के पास बराबर बचा, तो ऐसा सवाल तो भी किया था हमने, शायद ये स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, बराबर बचा दोनों के पास, यानी कि 3 साल में इसके पास उतना ही बचा, ये 10% रेट से खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना, यानी घट रहा है, ये 8% रेट से खर्च कर रहा है, यानी कि ये भी घट रहा है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, आर का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, तब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, इसका पूरे का क्यूब रूट ले लो, क्या ले लो, पूरे का क्यूब रूट यानी कि घनमूल, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3, 3 साइकिल का क्यूब रूट लोगे, 3 साइकिल का क्यूब रूट लोगे तो एक ही साइकिल बचेगी, 3 साइकिल का क्यूब रूट लोगे एक ही साइकिल बचेगी, इस प्रकार से क्यूब रूट आ गया पूरे का, खत्म हो गया सवाल, हर एक साइकिल का 10% है, हर एक साइकिल का 8% है, बस खत्म। इसका 10% 0.3 माइनस होगा तो बताइए 2.7 बचेगा क्या, बचेगा 2.7, तो 4 से 2.7 यानी कि 1.3, 1.3 कम हुआ 4 में, है ना, 8% निकाला, 1.3 ब्याज मिला एक प्रकार से 4 पर × 100, क्लियर है ना, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, है ना, ठीक है, और
एक मिनट, है ना, 4 से 25 बार, 32.5 आएगा, 32.5% ये आर का वैल्यू है ना। क्लियर इतनी बात, ठीक है। या फिर इसको ए मान लो, एक साइकिल बना लो, ये एक प्रकार से 27 हो रहे हैं, तो 27 हो रहे, 27 की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, ये आएगा एक साइकिल यहाँ का। अरे 27 और 1, तीन साइकिल से एक साइकिल पे जाएंगे, 27 और 1 को तो पावर 1/3 1/3 होगी, इधर का एक साइकिल 27 और 1 की पावर 1/3 1/3 रेशियो है ना, 27 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, ये रेशियो है, ठीक है। और इधर 64 से ए, तो 64 की पावर 1/3 और ए की पावर 1/3, आई बात समझ में, क्लियर है। 64 की 1/3, ए की पावर 1/3, क्लियर। अब आप देखो ये दोनों एक ही जगह एंड हो रहे हैं, तो 64 की पावर 1/3 से कहाँ जा रहा है, ये ए की पावर 1/3 पर, क्लियर। और 27 की पावर 1/3 से ये भी कहाँ जा रहा है, ए की पावर 1/3 पर, तो दोनों ही ए की पावर 1/3 पर जा रहे हैं, तो ए की पावर 1/3 कुछ नहीं है, खत्म करो इसको। एक साइकिल का 10% इधर 8% है, 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 10%, ये सेम केस हो गया ना, ठीक है, क्लियर है ना। चलो टाइप 11, अब इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस कर लेते, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। बस ये सीआई की समरी हो गई और क्या, अब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं ना। किस्त, चलिए आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पर, है ना। हाँ, इंस्टॉलमेंट में कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। 10,815 रुपये, 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथली 6 मंथली और 6 मंथली, क्लियर है ना। 40/3% पर एनम, ठीक है, यानी कि 12 महीने का 40/3% है ना, तो 6 महीने का कितना आएगा, 6 महीने का आएगा 20/3%, ठीक है, यानी कि 6 2 बाय 3%, क्लियर। तो 6 महीने की रेट 6 2 बाय 3% है ना, 6 2 बाय 3% 6 2 बाय 3%, यानी कि 1/15। तो बताइए 15 से 16 के रिलेशन चलेंगे, है ना, तो 15 से 16, प्रिंसिपल से अमाउंट बोलो या किस्त बोलो, याद है ना स्ट्रक्चर रेशियो वाला, 15 से 16, और 2 साल के रिलेशन में स्क्वायर आएगा, 2 किस्त और 3 किस्तों में क्यूब आएगा, क्लियर। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड है ना, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के 3 टुकड़े, लोन के 3 टुकड़े, और ये 3 किस्तें, 3 किस्तों को बराबर करना है, 16 का क्यूब बना ले तीनों को, (x)16 और यहाँ (x)16 का स्क्वायर, तो (x)16 यहाँ, (x)16 यहाँ भी, (x)16 का स्क्वायर, तो (x)16 का स्क्वायर यहाँ भी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा शायद 3,480 के 3,840, 256, 256 × 15 है ना, ठीक है, 3,840 आएगा शायद, ये याद है मुझे, है ना, ये तो 3375 आ जाएगा, 15 का क्यूब है ना, ठीक है। और ये शायद आएगा 225 3600, और इन तीनों को जोड़ोगे, और 16 का क्यूब कितना आएगा, 4096, क्लियर। तो ये आएगा 10,815, तो 10,815 यूनिट सच में 10,815 ही है, तो 4096 बराबर 4096 भी आंसर आ जाएगा।
क्लियर, ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, याद है ना ये चीजें आप लोगों को, ठीक है। या फिर आप ये भी लॉजिक लगाओ इसमें कि 16 का क्यूब का मल्टीपल ही होगा आंसर, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओ इतना करने के बाद कि 16 का क्यूब का मल्टीपल ही होगा आंसर, तो 16 के क्यूब का मल्टीपल देखो ऑप्शन में 4096 दिख जाएगा, सीधी सी बात है ना, लगा सकते हो है ना, बट रिस्की है थोड़ा सा, ध्यान रखना ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर फोर करवा रहा हूँ मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। 9600 रुपए का एक आदमी ने लोन लिया, सॉरी 96000 का लोन लिया, क्लियर ठीक है, 96000 का लोन लिया और कितने टाइम के लिए लिया, 3 साल। रेट अलग अलग है, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, रेट अलग अलग है ना, 25%, 50%, 100%, क्लियर ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो अब यहां से देखिए आप 25%, ठीक है, यदि हम बात करें यहां से 25%, 50% और 100%, तो बताइए 4:5 होगा, ये 2:3 होगा, ये 1:2 होगा, ठीक है। तब इसमें एक किस्त 3 किस्तों में टूटे गए, 1, 2, 3, पहला यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, तीसरा यहां से यहां, बताया था मैंने कैसे बनाते हैं इस केस को, हम प्रिंसिपल से अमाउंट या फिर किस्त बोलो, ठीक है। अच्छा यहां 4:5 आएगा, इस रास्ते में 2 रेशियो आएंगे, 4:5 और 2:3, इस रास्ते में 3 रेशियो आएंगे, 4:5, 2:3 और 1:2, क्लियर, 4:5 है ना, 4:5, 4:5 और 2:3 की बात करें, 8:15 याद है ना, और इनका रिजल्ट कैसे निकालोगे, 4:5, 2:3 और 1:2 है ना, इंटू इंटू करोगे, ये 2:2 कैंसिल, 4:15 ठीक है, तो 4:15 क्लियर। तीनों किस्तों को बराबर करना है तो 15-15, तो इसको भी 15 बना दे, हो गया सेट। चलो ये तीनों मिलाकर 24 बराबर कितना दिया, 96000, यानी कि 9600 सॉरी, इंटू 400 का रिलेशन है ठीक है, तो 15 × 400 कितना आएगा, 6000, क्लियर तो आंसर आ जाएगा आपका 6000, ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ₹6000 ठीक है, कि 60000 आएगा, 96000 है ना, अच्छा हज़ार, 96000 है तो इंटू 4000 आएगा, तो 60000 आ जाएगा है ना ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ठीक है। एक व्यक्ति ने एसी खरीदते समय 5665 रुपए जमा किए, ठीक है, खरीदते समय 5665 रुपए जमा किए, फिर एक साल के एंड में कितना चुकाया इसने, 1382 है ना, फिर उसके बाद फिर दूसरे साल के एंड में कितना चुकाया, 1254, 1254 है ना, और तीसरे साल के एंड में कितना दिया इसने, 540 ठीक है, 540 क्लियर ठीक है ना। चलो ये तीन किस्तें, हमें कुछ नहीं करना है, इनिशियल प्राइस निकालना है, 5665 का डाउन पेमेंट दिया, बाकी की राशि के तीन टुकड़े कर दिए, क्लियर। तो ये तीन किस्तें, किस्तों को उठा के हमें समेटना है कि एक्चुअली इसका भी मूलधन निकालना है, इसका मूलधन, इसका मूलधन, तो सब मिला के ओवरऑल एसी का प्राइस कितना था, एसी खरीदने गया 5665 रुपये दिए, बाकी का लोन ले लिया, तो बाकी का जो जो भी लोन लिया, बाकी का 5665 डाउन पेमेंट के अलावा जितना भी लोन लिया, उस लोन की तीन किस्तें बनी, पहली दूसरी और तीसरी, तीनों किस्तों को उठा के यहाँ लाना है, पता करना है वो बाकी का लोन कितना था प्लस 5665, तो एसी का प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, तीनों को यहाँ लाने का तरीका है, इसको डायरेक्ट यहाँ जंप करवाओ दिक्कत आएगी। अच्छा रेट ब्याज दर क्या है इसमें, ब्याज दर क्या दी आपको, 20% रेट है ना, कितना रेट है, 20%, 20% और 20%, क्लियर इतनी बात ठीक है ना, 20% रेट है ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें ठीक है, तो 20% क्या है, 4:5, तो 4:5, तो इसको ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो 4 के क्यूब से 5 का क्यूब का रिलेशन बनेगा, 125 बराबर इतना, 4 का क्यूब बराबर इतना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने बताया था इस रास्ते नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा उद्देश्य तो आपको पता है, इन तीनों टुकड़ों को उठा के इकट्ठा यहाँ लाना है, तो एक एक करके लाओ या इकट्ठा कर करके लाओ, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इसको हम यहाँ लाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, इन दोनों को मिला के फिर यहाँ लाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, फिर ऐसे लाओ मिलाओ, लाओ मिलाओ, लाओ मिलाओ ठीक है। इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो सुनिए मेरी बात ठीक है, ये 4:5 है कि नहीं है, क्लियर ठीक है। अरे इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ लाने के लिए इसको 4:5 यूज़ होगा,
यदि 5 बराबर 540 तो 4 बराबर कितना, यदि 5 बराबर 540 ठीक है तो 4 बराबर कितना आएगा, 432 आएगा, है ना। इस प्रकार ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4:5 है ना, यहाँ भी 4:5 है, यहाँ भी 4:5 है, ठीक है। तो इसको यहाँ लाएंगे तो प्रिंसिपल से अमाउंट 4:5, 5 बराबर 540 तो 4 बराबर 432 यही आएगा ना, क्लियर है ना इतनी बार, ठीक है। यही आएगा, ठीक है। चलो इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिलाएंगे 6 5 और 3 8 6 1686। फिर इसको उठा के देखिए, ये दोनों किस्ते आ गई इसके अंदर, अब इसको यहाँ लाएंगे हम, ठीक है। तो इसको यहाँ लाने के लिए फिर 4:5 लगेगा, है ना, ठीक है। अरे 20% 5 से 6 होता है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी। 20% 5:6 होता है ना, क्या होता है 20% 5:6, तो 6 बराबर 540 तो 5 बराबर 450 आएगा ना, वही तो कहूँ, ठीक है ना। 4 0 7 1 7 0 4 है ना, 1 7 0 4। अब इसको लाइए तो फिर रिलेशन काम करेगा, 5 से 6 6 बराबर 17 4 है ना, 6 2 12 6 8 48 6 4 24 284, तो 5 × 284 1420, क्लियर। कितना आएगा ये, 1420 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। 1420 जोड़े दोनों को, 2 8 और 2 10, ठीक है, 8 2 8 02, क्लियर, ठीक है। 5 से 6 6 बराबर इतना, 6 4 24 4 0 6 6 36 467 × 467 कर लीजिए, 467 ये 2335। तो देखो ये तीनों किस्तों को उठाकर ले आया मैं, इन तीनों को उठा के यहाँ इनका मूलधन ये बनेगा, इन दोनों को मिला लीजिए आ जाएगा आंसर, 5 5 10 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है, 7 8 9 10 8, अच्छा 8000 आएगा ये, है ना। तो 8000 एसी का प्राइस, 56% का डाउन पेमेंट दिया था, बाकी 2335 का लोन लिया था, इसकी तीन किस्तें बनी थी, 1 2 और 3, क्लियर। तीनों किस्तों को मिला के 2335 बना, 8000 रुपये एसी का कैश प्राइस है। आपको जो सवाल आए हैं अभी तक एसएससी मेन एग्जाम में, है ना, वो चार नहीं सिर्फ तीन राशियां, इतनी लेंथ का सवाल आया आपको, इतनी लेंथ का सवाल नहीं आया अभी तक, है ना, इतनी लेंथ का, ठीक है। आता भी है तो सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग होगा, बाकी डिजिट सम वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यूज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आना है, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना, सवाल नंबर 8। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, लेकिन इनकेस आता है तो ये ध्यान रखें आप कि सबके लिए वो इक्वली चैलेंजिंग है, सिर्फ आपसे अकेले से नहीं पूछा है पेपर में, सबसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 4000 रुपये 7.5% एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, 1500 इज पार्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, हाउ मच डज इट स्टिल ओ आफ्टर सच 3 इंस्टॉलमेंट्स, आफ्टर सच 3 आएगा, है ना, तीन किस्तों के बाद कितना शेष बाकी। देखो क्या किया, एक आदमी ने 4000 रुपये का लोन लिया और किस्त देना चालू की, 4000 रुपये का लोन लिया और किस्त चुकाना चालू की, हर साल 1500 रुपये किस्त दे रहा है वो, हर साल 1500 रुपये किस्त दे रहा है, 1500 रुपये किस्त उसने 3 साल तक दी, तो 3 साल तक 1500 1500 1500 भरने के बाद फिर उसने हिसाब लिखा है मेरे ऊपर कर्ज और कितना बचा, तो 4000 रुपये का लोन लिया और हर साल 1500 रुपये किस्त चुकाई 3 साल तक, 3 साल तक 1500 रुपये चुकाने के बाद उसके सर पे कितना कर्ज बचा ये बताना है ना। तो अब सुनिए, 4000 का लोन लिया, ठीक है, क्या रेट है, रेट है 7.5%, ठीक है ना, डिजिट सम से भी हो जाएगा क्वेश्चन इजीली, डिजिट सम यहाँ नहीं बताऊंगा, वहाँ बताया मैंने, है ना। 4000 का आज आपने लोन लिया तो भैया किस्त तो 1 साल बाद दोगे ना, 1 साल तक तो ये पैसा आपका बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताइए। 4000 का 7.5% कितना होगा, 4000 का 7.5% शायद 300 रुपये होगा, तो यहाँ पे आते आते आपके सर पे कर्ज 4300 हो गया। अब 1 साल के एंड में 1500 रुपये किस्त देने आया, हर साल के एंड में 1500 दोगे, पहली किस्त देने के पहले 300 रुपया 7.5% तो ब्याज लगी जाएगा, 4300 रुपये का कर्ज हो ही गया ना आपके ऊपर, क्लियर। हाँ 400 600, ठीक है 300 आएगा ना, हाँ 1500 माइनस करें इसमें से, है ना, 1500 चुकाओगे, 4300 1500 चुकाया आपने, 0 0 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है ना, 2 2800 रुपये कर्ज बचा। अब फिर 7.5% किस पर लगेगा, 2800 पर, ठीक है ना, 2800 पर यदि आप 7.5% लगाओगे 210 है ना, तो 2800 में 210 ऐड करेंगे तो 3010 आ जाएगा, फिर आप 1500 रुपये चुकाएंगे, अरे 1500 रुपये यार हर साल के एंड पे किस दे रहे हो ना, तो आपके सर पे 1510 का कर्ज बचा। अब 7.5% किस पर लगेगा, 1510 पर लगेगा, 1510 पर यदि आप 7.5% लगाओगे, ठीक है,
तो जो भी बनेगा उसमें से फिर 1500 रुपये चुकाओगे, तो जो बचेगा वो फाइनली तीन किस्त, पहले की तो तीन किस्त निकालने के बाद शेष जो बचा यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 15 से 10 का 7.5% यदि हम देखें, ऑप्शन दूर दूर है, पास पास है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़े पास पास ही है, ठीक है। 15 से 10 का 7.5% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 3 बाई 40 3 45 4 5 3 बाई 4 4 5 3 बाई 4 करेंगे, ठीक है। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 3 4 3 जा 12 1 0 4 2 जा 2 5 1 1 3.25 आएगा ये। तो 1 1 3.25 इसमें ऐड करेंगे 1 5 1 0 में, तो ये आएगा आपका 1 1 6 2 3.25 1 6 2 3.25 आएगा। इसमें 1500 माइनस करोगे तो 123.25 आंसर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में, क्लियर है? ये सवाल डिजिट सम से भी हो जाएगा, डिजिट सम से बहुत इजीली हो जाएगा ये, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, 4 2 3 ऐसे करके बताया था ना, वहाँ बताया था, वहाँ जाके देख लेना इसका डिजिट सम। डिजिट सम में इतना कैलकुलेशन करना नहीं होता, सीधे हो जाएगा, सीधे सेकंड्स में हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 के बाद आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 11, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? एक व्यक्ति हर साल के स्टार्टिंग में 2000 रुपये जमा करता है ना, 5% परिणाम CI। हर साल के स्टार्ट में 2000 रुपये जमा करता है, साल के पहले साल के स्टार्ट में 2000, फिर दूसरे साल के स्टार्ट में 2000, फिर तीसरे साल के स्टार्ट में 2000, और 3 साल के में यहाँ पे वो पैसा निकालने जाएगा बैंक से, ठीक है, और 5% रेट है। कई सारे तरीके इस क्वेश्चन के बताए हैं मैंने आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलिए, एक तो वो तरीका जो पिछले साल में लगाया था वही लगा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, 5% ना, ठीक है, कौन सा तरीका लगाएं बताओ। चलो, 2000 का 5% कितना ब्याज बनेगा, 2000 का 5% 100 रुपये ब्याज बन गया, तो ये पैसा यहाँ पर आके कितना हो गया, 2100, और 2000 फिर आके जमा किया उसने बैंक में, तो बैंक में उसका पैसा 4100 हो गया कि नहीं हो गया। अब 4100 पर 5% ब्याज मिलेगा उसको, तो 4100 का 5% कितना होगा, 205, 205 जोड़िए इसमें, अरे 2000 पे 100 रुपये ब्याज बन गया, 21, ये 2000 यहाँ पे आके 2100 हो गया ना, और 2000 और आके जमा करा उसने उस दिन, तो अब बैंक में उसका 4100 हो गया। अब बैंक में एक साल के एंड पे 4100 पे 5% ब्याज मिलेगा, 205 रुपये होता है, तो 4100 प्लस 205 4305 है ना, 2 साल के एंड में इतना हो गया है पैसा, और 2000 फिर वो जमा करने आएगा, तो 6305। अब 6305 का 5% मिला लो, इसमें आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन से कौन सा आंसर आएगा, लगभग 300 रुपये जुड़ेंगे, 6600 के आसपास आएगा आंसर इसका। हाँ, ये आएगा 6620.5 आएगा शायद। इसका 5% कितना आएगा, इसका 5% आएगा 25 ना, 315.25, क्लियर। तो 315.25 इसमें ऐड कर देंगे, 25.5 और 5 10 2 6620.25 आ जाएगा, और क्या, क्लियर। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं ना, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। अ पर्सन डिपॉजिट्स एन इक्वल सम ऑफ रुपीज 1600 ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, ठीक है, एन इक्वल सम ऑफ रुपीज 1600 ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, ठीक है। 1600, एक तो 1 जनवरी को 1600 जमा करता है, फिर 1 जुलाई को, है ना, ठीक है, क्लियर। 6 मंथ्स, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे पैसा कितना हो जाएगा ये हम बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, फाइंड इस कलेक्शन एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में उसका कलेक्शन कितना होगा। कलेक्शन ही एक्चुअली ऑप्शन में ब्याज दिया है, ये मांग रहे हैं कलेक्शन, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, रेट क्या है यहाँ पर, 5% रेट है, 5% रेट है, क्लियर। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, नया क्या है, कि इस क्वेश्चन में जो रेट है वो 6 महीने का ही 5% है। अभी तक क्या होता था, यदि 5% दिया तो 6 महीने का काट कर ढाई करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 6 महीने का ही 5% दिया है। ऐसा नहीं बोला है 5% वार्षिक नहीं बोला है, 5% को खुद को ही 6 महीने का बताया है सीधे, है ना। तो 1600 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 1600 का 5% हो जाएगा आपका 80, तो 1680 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों का मिला के 5% की बात करें, ठीक है ना,
1680 है ना, तो कितना हो गया है टोटल, 3280। 3280 पर 5% मिलेगा तो 164 मिलेगा ब्याज, ठीक है। तो यहाँ ब्याज मिला 80, यहाँ मिला 164, 164 प्लस 80 244 रुपीज़ आंसर आ जाएगा इसका। ब्याज निकालना था ना, 1600 रुपये 5% की दर से 80, 1680 हो जाएंगे। फिर 1680 और 1600 और जमा किया, 3280 पर 5% में 164 ब्याज यहाँ। तो पहले 6 महीने में 80 रुपये ब्याज, अगले 6 महीने में 164, दोनों का मिला ब्याज 244। और भी कई तरीके से निकाल सकते थे, बधाई हो। ये है चक्रवृद्धि ब्याज की समरी। आई बात समझ में क्लियर? हर एक क्वेश्चन को करते समय शीट के सारे क्वेश्चन इमेजिन करें, क्लियर है? ठीक है ना। कल कल यानी कि 16 जुलाई शाम 9 बजे, 16 जुलाई शाम नहीं रात 9 बजे, मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर एसएससी सीजीएल प्री वाला एग्ज़ाम जिसका भी है, उस चैनल को फॉलो करें और उसको देखें। उस पर लाइन से मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। आई बात समझ में क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हो, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।